हे गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज लगा के ये फाइंड करना है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है -2/3 × 3/5 +5/2 -3/5 × 1/6। सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज हम किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो -2/3 × 3/5 इस वाले पूरे ग्रुप को हम यहाँ ले आएंगे। सो -3/5 × 1/6 +5/2 ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से किया, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हमें इसमें देखना है कुछ कॉमन आ रहा है इस वाले में भी और इस वाले में भी। हाँ, क्या कॉमन है, 3/5। सो हम 3/5 को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। यहाँ माइनस है तो हम -3/5 को बाहर ले आएंगे। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है x और यहाँ पे ब्रैकेट है y प्लस जेड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x का y में भी मल्टीप्लिकेशन होगा और x का z में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, लाइक xy + xz। सेम वे हम यहाँ पे -3/5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 2/3 एंड माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे बचेंगे 1/6 और यहाँ पे +5/2। नाउ -3/5 को हम एज इट इज रहने देते हैं और 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, सो 2 × 2 = 4। और 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × 1 = 1 +5/2 -3/5। 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5/6 +5/2 नाउ -3/5 × 5/6 +5/2 सो 5 × 5 = 5 3 × 3 and 3 × 2 = 6 तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 एंड +5/2 नाउ अगेन हमें एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2। सो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे +5 क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × -1 = -1 और 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, सो 1 × 5 = 5 -1 + 5 कितने हो जाएंगे, 4। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े डिजिट का आता है, सो बड़े डिजिट में क्या साइन है, प्लस, सो ये आ जाएगा 4/2। नाउ कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नाउ कमिंग टू पार्ट सेकंड, 2/5 × -3/7 -1/6 × 3/2 +1/14 × 2/5 सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो 2/5 × -3/7 और इस वाले पूरे ग्रुप को हम इस साइड ले आते हैं
सो प्लस 1/14 इंटू 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/6 इंटू 3/2। हमने रीअरेंज कौन सी प्रॉपर्टी से किया है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, 2/5 और 2/5 को कॉमन ले लेंगे। सो 2/5 यहाँ आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस 3/7 एंड प्लस 1/14 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/6 इंटू 3/2। ये किससे हो जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ हम इसको यहीं पे कट कर लेते हैं, 3 1 3 3 2 6। सो हमारा क्या आया, 2/5 माइनस 3/7 प्लस 1/14 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 × 1 = 1 और 2 2 = 4। नाउ अब हम 7 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। सो 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 14। 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। सो 2 × 3 आ जाएगा माइनस 6 प्लस 14 के टेबल में 14 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × 1 = 1 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1/4। नाउ 2/5 इंटू माइनस 6 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़ी डिजिट का आता है, सो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस 5/14 और यहाँ पे माइनस 1/4। नाउ 5 1 5 5 1 5, 2 1 2 2 7 14। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 1 × 7 = 7 माइनस 1/4। नाउ हम 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28। सो 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, सो 4 4 इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस 4 देन माइनस 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, 7 × 1 = 7। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस और साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, सो ये हो जाएंगे माइनस 11/28। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इन नंबर्स के एडिटिव इनवर्स बताने हैं। सो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, दैट इज अ नेगेटिव, किसी भी नंबर का नेगेटिव कर देना, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स बोथ आर सेम। लाइक आपके पास है माइनस 1 तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स करना है, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव 1। आपके पास है माइनस 7 तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स करना है, तो वो आ जाएगा 7। आपके पास है 6 सो आपको इसका एडिटिव इनवर्स करना है, तो वो हो जाएगा माइनस 6। नाउ सपोज करिए आपके पास कोई इंटीजर है, दैट इज माइनस है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। और सेम अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, सपोज करिए b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस b। एंड रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे कि आपके पास कोई रैशनल नंबर है, सो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, लाइक आपके पास नंबर है a/b, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस a/b। और अगर आपके पास नंबर है माइनस a/b, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा a/b। नाउ पार्ट फर्स्ट, दैट इज 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस 2/8। देन सेकंड पार्ट है हमारा
माइनस 5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। देन थर्ड पार्ट, माइनस 6/-5, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ये होगा 6/5, और इसका हमें एडिटिव इनवर्स बताना है, तो क्या आएगा? -6/5। नाउ पार्ट 4, 2-9, 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/9। नाउ पार्ट 5, 19/-6, सो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वेरीफाई करना है माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स इक्वल्स टू 11/15, और हमें वेरीफाई क्या करना है, माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है हमारा 11/15, सो यहाँ पे माइनस माइनस 11/15 इक्वल्स टू 11/15। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सो 11/15 इक्वल्स टू 11/15। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। पार्ट सेकेंड, x इक्वल्स टू -13/17। देखिए x की वैल्यू क्या है, हमें वेरीफाई क्या करना है, माइनस माइनस x इक्वल्स टू x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सो माइनस ब्रैकेट माइनस, और x की वैल्यू क्या है, -13/7 इक्वल्स टू 13/-13/17। नाउ देखिए जब भी माइनस जो हो वो ऑड नंबर्स में हो, लाइक 1, 2, 3, कितने माइनस है, 1, 2, 3, तो जो हमारा आंसर होता है वो माइनस में आता है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -13/17। आप ऐसे भी कर सकते, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, सो हमारा क्या आ जाएगा, -13/17, और यहाँ पे भी -13/17, सो हमारा क्या आ जाएगा, -13/17, और यहाँ पे भी -13/17। देन LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो ये नंबर्स दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स कोई भी नंबर है उसका उल्टा कर देना। जैसे कि आपका एक रैशनल नंबर है a एंड b, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, b/a। कोई नंबर है 2/5, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, सो इसको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, दैट मींस 5/2। नाउ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है -13, सो हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। -13 है मतलब 13 के नीचे क्या आ जाएगा, 1, सो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13 का -1/13। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड है हमारा -13
अपॉन 19, सो हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 19 अपॉन 13, सो माइनस 13 अपॉन 19 का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस 19 अपॉन 13। पार्ट 3, 1/5, सो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/1, दैट मीन्स 5। नाउ कमिंग टू पार्ट 4, -5/8 इंटू -3/7, सो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना रहेगा, -5 इंटू -3, 5 3 से कितना होता है 15, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 56, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 56 अपॉन 15। नाउ पार्ट 5, -1 इंटू -2/5, सो इसको सॉल्व करते हैं, -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आ जाएगा 2/5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2। नाउ पार्ट 6, -1, सो -1 है, -1 के नीचे कुछ नहीं है, सो -1/1, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं जो इसमें यूज हुए हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5। देखिए रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कि जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर लाइक ए और बी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो सेम आएगा, लाइक ए बी ही आएगा। जैसे कि हमने रैशनल नंबर ले लिया -2/7, सो इसका अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर -2/7 ही आएगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, -2/7 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -2/7, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स अगर मैं -4/5 इंटू 1 करूँ तो -4/5 ही आएगा, और 1 इंटू -4/5 करूँ तो -4/5 आएगा, दैट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये क्या बोल रही है, चाहे हम a इंटू बी करें या b इंटू a करें, बोथ आर सेम। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 3, दैट इज -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। देखिए ये भी हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि -19/29 इंटू 29/-19,
सो 19 वन 19 19 वन 29 29 29 29 वन 29. सो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 इक्वल्स टू 1. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Now coming to question number 6. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो 6 by 13 है हमें उसे मल्टीप्लाई करना है माइनस 7 अपॉन 16 है उसके रेसिप्रोकल से. सो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, माइनस 16 अपॉन 7. नाउ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 बाय 13 का मल्टीप्लाई जो होगा वो माइनस 7 बाय 16 के रेसिप्रोकल से होगा. सो 6 बाय 13 और हमने रेसिप्रोकल किया तो क्या आया, माइनस 16 अपॉन 7. सो हमारा कितना आ जाएगा, 16 सिक्स कितना होता है, 96. सो माइनस 96 और 13 सेवन 91. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1 बाय 3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4 बाय 3 एज 1 बाय 3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4 बाय 3. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं हमें इनकी प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है. सो नंबर क्या है, 1 बाय 3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4 बाय 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 4 बाय 3. तो देखिए ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, इसको हम ये लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इज 8 बाय 9 द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ माइनस 1 1 बाय 8, वाई और वाई नॉट. क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या 8 बाय 9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है माइनस 1 1 बाय 8 का, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. सो हमारा नंबर क्या है, 8 बाय 9, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 9 बाय 8. और क्वेश्चन में जो दूसरा नंबर है वो क्या है, माइनस 1 1 बाय 8. सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. सो 8 इंटू 1 8 वन ज़ा 8 प्लस 1, सो आ जाएगा माइनस 9 बाय 8. और हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 9 बाय 8, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस 9 बाय 8. सो 8 बाय 9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 9 बाय 8 और माइनस 1 1 बाय 8. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 9. If 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 by 3, why or why not? क्वेश्चन में बोला गया है जो 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या 3 1 by 3 का, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. देखिए जो हमारा नंबर है वो क्या है, 0.3, इसको हम रैशनल नंबर बनाते हैं. सो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3/10. नाउ हमारा सेकेंड नंबर क्या है, 3 1 बाय 3,
इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 3 3 इज 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10/3. नाउ हमें क्या बोला गया है कि 3/10 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. सो 3/10 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करेंगे तो क्या आएगा, 10/3. देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3. Now coming to question number 10, write part first the rational number that does not have a reciprocal. हमें बताना है ऐसे कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता. सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, 0. क्योंकि अगर आप 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा. और ऐसा कोई नंबर नहीं होता है. दैट मीन्स हमारे फर्स्ट का आंसर है 0. पार्ट सेकेंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स. ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल करें तो वो भी इक्वली है. तो ऐसा रैशनल नंबर कौन सा होता है, एक तो 1 होता है और एक -1 होता है. देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 आएगा. देन -1/1. सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/1 ही आएगा. दैट मीन्स जो 1 और -1 है उसके इक्वल रेसिप्रोकल्स होते हैं. नाउ थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. अब हमें बताना है ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव का इक्वल आए. तो ये 0 है, जैसे कि ये 0 है क्योंकि 0 का आप नेगेटिव करेंगे तो -0 आएगा. सो 0 इक्वल्स टू 0 ही रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. सो अब हम क्या लिखेंगे, 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स. पार्ट सेकंड, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल करने पे उनका खुद का नंबर आता है, वो क्या है, 1 एंड -1. अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/1. और अगर आप -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी यही आएगा, -1/1. सो 1 एंड -1 खुद के ही रेसिप्रोकल्स हैं. नाउ पार्ट थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज. -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5. -5 दिया हुआ है आपको, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/5. पार्ट 4, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में बोला गया है 1/x का रेसिप्रोकल बताना है जिसमें x 0 नहीं होगा. तो ऐसा क्या हो सकता है, दैट इज x. Then part 5, the product of two rational number is always a rational number. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है. लाइक a अपॉन b इंटू c अपॉन d करेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा. नाउ पार्ट 6, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें.